सुलेखा अरफान सुलेखाज किचन से है। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के करम से और आपकी दुआ है। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ चिकन। क्या बना रही हूँ मैं हमेशा भूल ही जाती हूँ, एक्चुअली मैं बना क्या रही होती हूँ मैं बना रही हूँ स्मोकी चिकन टिक्का मसाला। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने है ना आधा किलो चिकन ली है, इसके मैंने बोनलेस है, ये बोनलेस ही लीजिएगा, और चर्बी निकाल ली है, दो तीन पानी से धो लिया है और मैंने मीडियम पीसेस किए काइंड ऑफ स्क्वायर टाइप। अच्छा अब ये है ना थाई पोर्शन है, आप चाहे तो नॉर्मल जो ब्रेस्ट पोर्शन आता है वो ले सकते हैं। थाई पोर्शन में ना जरूरत नहीं होती है स्लिट्स वगैरह मारने की, अगर आप ब्रेस्ट पोर्शन ले रहे हैं तो क्या कीजिए, एक दो स्लिट ऐसी यहां मार दीजिए और एक दो स्लिट ऐसी यहां मार दीजिए। अब जो लाइंस जैसी जा रही है ना वहीं पर ही मत मारिएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मारिएगा। जैसे ये लाइंस यहां जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक या दो स्लिट्स मार दीजिए, समझे ना, आगे पीछे दोनों। अच्छा अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और उसके आगे का सारा बताती हूँ। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, आधा छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए, एक छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, ये नॉन स्पाइसी, आपका ज्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। अब इसमें डाल दीजिए आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, दो छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए, वैसे घर में बना हुआ, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और यहाँ पर मैं एक टेबलस्पून जितना तंदूरी मसाला डाल रही हूँ टिक्का मसाला, आप चाहे तो घर का भी बना हुआ डाल सकते हैं, उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और 3/4 या 1 टेबलस्पून जितना ये डाल दीजिए नींबू का रस, और 1/4 कप भरकर गाढ़ी दही, ये गाढ़ी थी, ये सारी चीजें डाल दीजिए और मिक्स कर इसे साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो रात भर भी रख सकते हैं फ्रिज के अंदर ढककर, या फिर एक दो घंटे के लिए ढककर साइड पर रख दीजिए फ्रिज में। तो मैंने देख करके मैंने चिकन साइड पर रख दी है और यहाँ पर मैंने कुछ प्रिपरेशंस कर ली है, जैसे आप देख सकते हैं ये है 60 ग्राम काजू, आप चाहें तो 50 ग्राम भी ले सकते हैं। 5 टमाटरों को मैंने मोटा मोटा काट लिया है, 3 प्याज थी उसे भी मैंने रफली चॉप किए, और 2 हरी मिर्चियां ली, आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच जीरा लिया है, साबुत जीरा, छोटी डांडी दालचीनी की, 3-4 लौंग और 3-4 काली मिर्च। अब मैं क्विकली इन्हें फ्राई कर रही हूँ। काजू है ना मैंने तकरीबन 50-60 ग्राम पूरी तरीके से काजू लिए, आप चाहे तो टुकड़ा काजू ले सकते हैं, या फिर देखिए रेस्टोरेंट्स और ढाबे पे क्या होता है बहुत लार्ज क्वांटिटी बनती है और 5-5, 10-10 किलो जितना बनाना पड़ता है उन्हें, तो उसमें वो क्या करते हैं कि आधा काजू लेते हैं और आधा वो जो मगज के सीड्स आते हैं ना वो डालते हैं। आप कहीं पर भी जनरल स्टोर्स में जाएंगे पूछेंगे ना मगज के बिज्जे, तो वो आपको दे देंगे। तो आप चाहें तो ज्यादा अगर क्वांटिटी बना रहे हो और ज्यादा नहीं भी और आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकल करना है, थोड़ा सा बजट फ्रेंडली करना है, तो आप 25 ग्राम काजू डालिए और 25 ग्राम मगज के बिज्जे डाल दीजिए। या फिर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो और आपको चाहिए तो आप 1/4 पोर्शन, जैसे 1/4 हिस्सा आप काजू डाल दीजिए, टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं आप, काजू डाल दीजिए 1/4 पोर्शन, बाकी का 3/4 आप मगज डाल सकते हैं मगज के बिज्जे, है ना। तो ये भी कितने इंपॉर्टेंट टिप है, आप रेस्टोरेंट्स और जो हम वहां खाते हैं ढाबे पे वो लोग वैसे ही करते हैं, बट हम घर पे वैसा नहीं करते क्योंकि हम छोटी क्वांटिटी में बना रही हूँ मैं, तो मैं पूरी तरीके से काजू ले रही हूँ। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, ज्यादा मत डालिएगा, फास्ट आंच पर या मीडियम आंच पर चालू कर दीजिए। जब तेल गर्म हो जाता है तो गर्म मसाले जो मैंने आपको बताए थे थोड़े से वो डाल दीजिए और इन्हें तड़तड़ा जाने दीजिए। जब गर्म मसाले तड़तड़ा जाए तो ये जो हमने साइड पर रखी है प्याज टमाटर हरी मिर्ची और काजू, ये सारे एक साथ ही डाल दीजिए, अलग अलग भूनने की जरूरत नहीं है, एक साथ डालकर मिक्स कर लीजिए। चूल्हे को मीडियम आंच कर दीजिए और इसे तकरीबन टोटल 8-8.5 मिनट फ्राई कीजिए मीडियम आंच पर। अच्छा तकरीबन 4-5 मिनट हो जाते हैं ना, तो उसके दरमियान में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए चुटकी भर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी डाल दीजिए और 1/4 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लीजिए, बार बार चलाते रहें, और जब टोटल समझिए ना 8-8.5 मिनट हो जाती है चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे साइड पर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अच्छा जैसे आपने देख लिया ये जो मैंने प्याज टमाटर उसे मैंने भून लिया, उसे मैंने अभी साइड पर रख लिया और अभी चिकन को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट करके। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो सेम कढ़ाई लें, उसमें से वो जो सब्जियां हैं वो निकाल दीजिए प्लेट में, बट मैं दूसरी कढ़ाई ले रही हूँ। 3-4 टेबलस्पून जितना मक्खन डालिए और चूल्हा मीडियम आंच पर चालू कर दीजिए।
जब थोड़ा सा हल्का मेल्ट हो जाए मक्खन, तो यहाँ सारी जो चिकन है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मैरिनेशन के साथ डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते रहें, तकरीबन मीडियम आंच पर 3-4 मिनट इसे फ्राई करें। जब 3-4 मिनट हो जाती है, चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढाक कर चिकन को पकने दें। तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती, समझे ना, 15 से 17 मिनट में तो चिकन गल जाएगी। तो मैं यहाँ ढाक देती हूँ स्लो आंच करके। चलिए, वो भुने हुए प्याज टमाटर काजू ठंडे हो चुके हैं, तो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो इन्हें मिक्सर जार के अंदर डालकर बहुत अच्छे से पीस लीजिए। बिना पानी डालकर पीसिएगा और इस तरीके से पीसिए, एकदम क्रीमी टेक्सचर हो जाना चाहिए ऐसे। जब ऐसे हो जाए तो इन्हें साइड पर रख दीजिए। चलिए, 16-17 मिनट हो चुकी है, चिकन चेक कर लीजिए, मेरी चिकन हो चुकी है। मैं चूल्हा कर देती हूँ फास्ट आंच। और अब यहाँ दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि पूरा कम्प्लीटली ड्राई कर लीजिए, और जब ड्राई हो जाए तो उलट पलट करते जाएं और जो चिकन है उस पर डार्क स्पॉट्स आने लगे तो बंद कर दीजिए। लेकिन मैं वैसा नहीं कर रही हूँ, मैं इसे पूरी तरीके से ड्राई कर लेती हूँ, लेकिन हल्का सा मसाला चिटकेला रहने देती हूँ। साइड बाय साइड मैंने 3-4 मिनट पहले ना कोयला गर्म पे रख दिया था। अब मैं इसमें स्टील की वाटी डाल देती हूँ, चूल्हा कर देती हूँ बंद, और ये जो स्टील की वाटी के ऊपर ना मैं ये कोयला जो साइड पर गर्म करने रखा था वो डालकर क्विकली तेल, घी, मस्का या कुछ भी डाल दीजिए इसके ऊपर और ढक दीजिए क्विकली 4-5 मिनट के लिए। इसे साइड पर रहने दीजिए ढका हुआ, समझिए ना। 5 मिनट हो चुके हैं और मैं इसका ये खोल देती हूँ, हटा देती हूँ इसे। क्या खुशबू इंशाल्लाह। और ये जो कोयला है, कांडा जो हमने दिया है उसे हटा दीजिए, ये जो मसाला है वो सारा निकाल लीजिए। ये देखिए, मेरे पास 2-3 सिलिए हैं, सीख कह सकते हैं पतली वाली। ये मुझे तो ओवन के साथ ही मिली थी, आपको रेडी कहीं पर भी मिल जाएगी मार्केट के अंदर। मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा अब आप चाहें तो इसमें ही डायरेक्टली आप इसे एकदम डार्क स्पॉट्स ले आए दोनों ओर से, एकदम ड्राई कर ले। जब दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स आने लगे, चिटकने लगे और डार्क स्पॉट्स आ जाए, बंद करके इसे कोयले का टांडा दे दीजिए। मैं एक स्टेप एडिशनल कर रही हूँ, मैंने ज्यादा नहीं सुखाया जैसे आप देख सकते हैं, और टांडा दे दिया, और उसके बाद मैं अभी इसे सीख या जो आप कहते हैं सीलिए में डाल देती हूँ, और इसे मैं डायरेक्टली चूल्हे के ऊपर ग्रिल कर लूंगी। तो इससे क्या होगा कि बाहर कैसी मिलती है हमारी ये जो ये चिकन टिक्का, वैसी वैसी फ्लेवर की रहेगी। तो मैं ये क्विकली इसमें भर लेती हूँ। अच्छा, आपके पास अगर ये सीलिए ना हो कोई बात नहीं, आप चिमटा होता है ना, चिमटे होते हैं उससे डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर उलट पलट करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए, मैं डायरेक्टली इसे ग्रिल कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा। मैं डायरेक्टली इसके ऊपर ऐसा डाल के ये ग्रिलिंग प्लेट रख के ग्रिल कर रही हूँ। अच्छा, आपके पास ग्रिलिंग प्लेट है तो डायरेक्टली रखिए और उसके ऊपर ये एक एक पीस रख दीजिए और उलट पलट करते जाइए चिमटे से, अगर आपके पास ये सीख ना हो तो। मेरे पास है तो मेरे लिए थोड़ी कन्वीनियंट है। आप एक ये प्लेट ले लीजिए, प्लेट बहुत आसानी से मिल जाती है मार्केट के अंदर, और ये सिलिए भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब इसे मैं बार बार उलट पलट करते जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा मक्खन मस्का लगाते जा रही हूँ चारों ओर से। जब अच्छे से ग्रिल हो जाए तो इन्हें हटाकर साइड पर रख दीजिए। तो आपने देखा, मैंने आपको 4-5 वेज दिखा दिए हैं। सबसे पहले तो दिखाया कि आप कढ़ाई के अंदर डायरेक्टली उसे चार्ड इफेक्ट दे दीजिए, उलट पलट करते हुए थोड़े डार्क स्पॉट्स आ जाएं तो उसके बाद डूंगार दीजिएगा। ये दूसरा वे ये दिखाया कि आप डायरेक्टली चिमटे से भी ग्रिल कर सकते हैं। तीसरा वे ये है कि जो मैं कर रही हूँ, और चौथा वे ये है कि मैं आपको बोल रही हूँ आप ये प्लेट ग्रिलिंग प्लेट के ऊपर 4-6-8 पीस रख दीजिए और उसे उलट पलट करते जाएं और मक्खन लगाते जाएं। ये देखिए कितने बढ़िया से बन गए ना हमारे, बाहर जैसे लग ही रहे ना हमारे चिकन टिक्का, बढ़िया से मजेदार से। तो ये देखिए ग्रिल हो चुकी है जैसे आप देख सकते हैं। तो अब फटाफट क्विकली हम बना लेते हैं इसकी ग्रेवी मजेदार सी। चलिए, मैं तो सेम कढ़ाई ले रही हूँ, आप चाहे तो दूसरी भी ले सकते हैं। चूल्हा चालू कर दीजिए, तेल डाल दीजिए, इस बार थोड़ा ज्यादा डालिएगा, और 1 से 2 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए। जब मक्खन मेल्ट हो जाए तो 2 तेज पत्ता, 1-2 काली मिरी, 1-2 लौंग, 1 हरी इलायची और 1/4 छोटा चाय का चम्मच जीरा और 1 डंडी छोटी सी दालचीनी की, ये सारी चीजें डालकर थरथरा जाने दीजिए। जब गरम मसाले तड़तड़ा जाएं, यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज को छूंदा कर लिया है, इसे डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर फ्राई करें। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक हल्की लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, तब तक।
जब ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो दो छोटी चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसे भी भून लीजिए। मैंने चूल्हा हल्का स्लो किया है और थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ सो दैट जो प्याज है ज़्यादा डार्क ना हो जाए ना, क्योंकि मुझे लाइट गोल्डन ब्राउन रखनी है। अब जब ये रोस्ट हो जाता है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जो सारा मसाला हमने बनाकर पीस कर रखा है ये सारा डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, एक टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर और डेढ़ छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे ये मेरा नॉन स्पाइसी, अगर आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। इसे भी सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मीडियम पर ही है, अब इसमें 1/4 कप से आधे कप के दरमियान में पानी डाल दीजिए सो दैट हमारा मसाला जले ना। जब आप ये पानी डाल दें एक बार मिला लें और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे पकने दें। तब तक पकाएं जब तक इसका तेल नहीं छूट जाता। ये देखिए कुछ देर बाद कितना अच्छा तेल ऊपर आ चुका है, मैं एक बार चला लेती हूँ। और ये जो चिकन साइड पर रखी है पकी हुई, ये सारी डाल दीजिए ग्रिल करी हुई। और इसके साथ साथ ये जो पैन के अंदर अगर चिकन जिसमें पकाया है उसके अंदर थोड़ा भी मसाला रह गया हो वो भी सारा डाल दीजिए। इसके साथ साथ डाल दीजिए, नमक एडजस्ट करना है तो आप नमक एडजस्ट भी कर सकते हो। इसके साथ डालिए आधा या फिर 3/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, मैं 3/4 डाल रही हूँ और छोटा चाय का चम्मच। और यहाँ पर मैं डेढ़ छोटा चाय का चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। चूल्हा मैंने अभी फ़िलहाल मीडियम पर कर दिया है और इसे एक बार चला लीजिए। एक बार मिक्स कर लें उसके बाद डेढ़ कप पानी डाल दीजिए। डेढ़ कप पानी में हल्का उबाल आ जाने दीजिए। मैं यहाँ नमक एडजस्ट कर रही हूँ और एक छोटे चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए। जब उबाल अच्छा आ जाता है तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढककर तकरीबन 8-9 मिनट के लिए पकने दीजिए दम पर, स्लो आंच पर। चलिए 8-9 मिनट हो चुके हैं, खोल लीजिए। ये देखिए क्या बढ़िया सी ग्रेवी बन चुकी है और चिकन का जो भी जो कस था वो सारा ये ग्रेवी में निकला है, तो और ज़्यादा बेहतरीन बन चुकी है हमारी ग्रेवी। अब मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून मलाई, आप चाहें तो 2 या 3 टेबलस्पून मलाई डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए और ढक कर 1 से 2 मिनट सिमर होने रख दीजिए। जब 1 से 2 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। नमक वगैरह अगर कम लगे इस समय तो डाल दीजिए। या साइड पे मैंने ना एक कोयला लाल करने रख दिया था 2-3 मिनट पहले, जब इसको 2-3 मिनट बाकी थे तब मैंने इसे कोयले को लाल करने रख दिया था साइड के चूल्हे के ऊपर। चलिए ये हो चुका है और इसका चूल्हा जैसे आपने देखा मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए ये मैं एक बाटी बीच में रख रही हूँ, छोटी सी बाटी लीजिए या फॉइल की, जो फॉइल को एक छोटी सी बाटी टाइप बना लीजिए और यहाँ रख दीजिए। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि फॉइल को कहीं पर भी मोस्टली इस्तेमाल ना करूँ, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो गर्म खाने में डिजॉल्व होते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। सो कोशिश कीजिए कि ऐसी ही चीजें यूज करें और फॉइल यूज ना करें, बहुत ही दिक्कत हो और ना हो तब यूज कीजिएगा फॉइल। चलिए अब मैं इसे इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये कोयला गया और ढक्कन रेडी रखिए, ढक्कन ये रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए या कुछ भी डाल दीजिए, घी या ये मक्खन, और इसको इस तरीके से क्विकली ढक दीजिए। और यहां से फ्यूम्स निकल रहे हैं तो मैं इसे यहाँ से बंद कर दी हूँ, लेकिन आप इस पे थोड़ी देर वजन रखें और 3-4 मिनट में इसे खोल लें और सर्व कर लें। मैं 3-4 मिनट रख रही हूँ तो ये क्या स्मोकी फ्लेवर आएगा, तो हमारा बन जाएगा स्मोकी चिकन टिक्का मसाला, बढ़िया सा एकदम। चलिए ये मैं हटा दी हूँ वजन जो था, और चलिए इसे भी खोल लेते हैं। और ये जो है, अरे क्या मजेदार सी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप जब खुद ही बनाएंगे आप तभी देख लीजिएगा। स्टील की वाटी को निकाल दें और कोयले को फेंक दीजिएगा। अब इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के सर्विंग बाउल में निकालें। जब आप सर्विंग बाउल में पूरी तरीके से निकाल लेते हैं तो थोड़ी सी जो फ्रेश क्रीम है ऊपर से ड्रिजल कर दीजिएगा प्रेजेंटेशन के लिए। और गर्मा गर्म आप चाहें तो रोटी, पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपीज मैंने बनाई हुई है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मैं आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। कुछ चिकन के ग्रेवीज की रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। हरी मिर्चियां और लाल मिर्चियों का इस्तेमाल अपने स्वाद अनुसार कीजिएगा इस रेसिपी में। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता भी देती हूँ टेस्ट में कैसा है। इसमें
मैंने रोटी के साथ सर्व किया है, आप चाहे तो पराठे के, पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, या फिर तंदूरी नान के साथ सर्व करें। बोटी आप देख सकते हैं कितनी मजेदार सी टूट रही है, एकदम सॉफ्ट है। बिस्मिल्लाह। इतना जो उसका फ्लेवर्स, एक तो इनके फ्लेवर्स, उसके से ऊपर ये जो हमने टांडा दो बार डाला है उसके फ्लेवर फ्लेवर्स बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही डिलिशियस लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ही मजेदार। उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। हाँ, और हाँ, अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। मजेदार।